बारे में? इसराइल गाजा के बीच बीते लंबे समय से चल रहा युद्ध थमने की जगह और तबाही वाला होता जा रहा है। गाजा के अन्य इलाकों में तबाही मचाने के बाद अब इजरायली सेना दक्षिणी गाजा के राफा शहर में भी घुस गई है। वहां जमीनी स्तर पर बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में जुट गई है। इजरायल के सैन्य अभियान के खिलाफ विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों में बड़े स्तर पर छात्र और छात्राएं प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पेरिस में भी प्रतिष्ठित सोरबोन विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन समर्थक छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी विश्वविद्यालय के एंट्री गेट पर इकट्ठा हुए और फिलिस्तीन को मुक्त करो, फ्री फिलिस्तीन, इजराइल गेट आउट के नारे लगा रहे थे। एक वीडियो के अनुसार प्रदर्शन कर रहे छात्र नारा लगा रहे थे कि फिलिस्तीन तुम्हारा नहीं है, हम सभी राफा के बच्चे हैं और गाजा में अब युद्ध विराम है। प्रदर्शनकारियों ने सोरबोन लेक्चर हॉल के अंदर तंबू के साथ अस्थाई डेरा बना लिया है। उन्हें फर्श पर बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखा गया। मंगलवार दोपहर को प्रदर्शन शुरू होने के बाद ही फ्रांसीसी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस प्रदर्शन करने वालों को उस सड़क से दूर धकेलने लगी जिसे वो सोरबोन के सामने अवरुद्ध कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने टियर गैस स्प्रे का भी इस्तेमाल किया। छात्रों के इस प्रदर्शन को तहस नहस करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के साथ बल का भी इस्तेमाल किया। इससे पहले दिन में पुलिस ने पेरिस के एक अन्य विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन समर्थक एक अन्य प्रदर्शन को तितर बितर करने का काम किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने इमारत के प्रवेश द्वार को कचरे के डिब्बे, फर्नीचर और साइकिलों से जाम कर दिया था। आपको बता दें कि दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में फिलिस्तीन समर्थक छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है क्योंकि इसराइल राफा में बड़े पैमाने पर जमीनी घुसपैठ के जरिए हमास के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक इस भीड़ भाड़ वाले राफा शहर में लगभग 14 लाख फिलिस्तीनियों को शरण मिला हुआ है जो उत्तरी गाजा में इजरायली बमबारी और जमीनी कार्रवाई के चलते विस्थापित हुए थे। अब उन्हें यहां से भी भागना पड़ेगा। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र ने राफा में निराशाजनक मानवीय स्थिति, बीमारी और अकाल के बढ़ते खतरे और दूर दूर तक न दिखने वाली सहायता को लेकर चेतावनी दी है।